सभी सिवान वासियों को, देशवासियों को मेरे तरफ से और सिवान पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रामेश्वर कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन और चेयरमैन श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मैं सिवान गोपालगंज वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक गणतंत्र राज्य में जन्म लिए हुए हैं और इसकी महिमा और इसके इम्पोर्टेंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर इंसान को, हर नवयुवक को, हर नया जन्म लेने वाले लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये आज़ादी इतना आसानी से नहीं मिला है। बहुत कष्ट से, बहुत परिश्रम करके हमारे पूर्वजों ने ये दिया हुआ है। इसी के साथ सबको शुभकामना, थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष जिनेन्द्र गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जन्मेजय कुमार, बजरंग दल, क्षेत्र संयोजक, बिहार झारखंड। मैं देश के सभी जनमानस को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाए। यह देश का पर्व है, जैसे हम अनेक पर्व मनाते हैं वैसे भी इस पर्व को उत्साह में मनाए, यही निवेदन है। मैं निशु, एक सामाजिक सोच, समस्त देशवासियों एवं जिलेवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मैं अविनाश कुमार सिंह उर्फ मदन सिंह, सिवान जिला अधिवक्ता संघ की ओर से सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दिवस पर सभी नगर परिषद क्षेत्र सहित सभी सिवान जिला वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अमित कुमार मोनू, सरकार न्यूज लाइव की तरफ से सभी भारतवासी, बिहारवासी, सिवान वासी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।